मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। कनाडा में चाकू से 10 अफराद को कत्ल करने वालों में से एक मुर्दा हालत में मिल गया। पुलिस की जानिब से दूसरे मुलजिम की तलाश जारी। मुलजिम मुजरमाना रिकॉर्ड रखता है। जैस्पर नेशनल पार्क में लगी आग 6000 हेक्टर पर फैल गई। आग नेशनल पार्क में ट्रांसमिशन लाइनों को मुतासर कर रही है। मुकामी आबादी को बिजली की बंदिश के खतरे से आगाह कर दिया गया। कनाडा में बढ़ती महंगाई से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। माली तनाव से निजात के लिए शहरी क्रेडिट कार्ड्स पर निसार करने लगे। रिहाइश के महंगे अखराजात महंगाई की बड़ी वजह करार। रूस का यूरोप की गैस मुअत्तल रखने का ऐलान। अमेरिका का कहना है कि रूस सवनाई को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन जंग ने रूस को मालामाल कर दिया। अरबों डॉलर की आमदनी। चीनी सूबे सिचुआन में जलजिले से हलाकतों की तादाद 46 हो गई। 50 से ज्यादा अफराद जख्मी। लैंडस्लाइडिंग से कई घर मुनहदम। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया शदीद गर्मी की लपेट में। हीट वेव के सबब 2 अफराद हला। जंगलात में आग की वजह से हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। Laundry is no longer a hassle. Just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. Headlines aapne jaani aur ab khabrein tafseel ke saath. कनाडा में चाकू से हमले का एक मुलजिम पुलिस को मुर्दा हालत में मिल गया। पुलिस असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक दूसरा मुलजिम ताहाल मफरूर है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में चाकू से हमले का एक मुलजिम पुलिस को मुर्दा हालत में मिल गया। पुलिस असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक मुश्तबा दूसरा भाई माइल्स सैंडरसन ताहाल मफरूर है। कनाडा के पेरोल बोर्ड के मुताबिक मुलजिम मुजरमाना रिकॉर्ड रखता है। 2 दहाइयों के दौरान 30 साल माइल्स सैंडरसन को हमला, हथियार से हमला, धमकियां देने, पुलिस अफसर पर हमला करने और डकैती के लिए 59 सजाएं सुनाई गईं। तकरीबन निस जराइम खिलाफ वर्जियों या पहले से मौजूद अहकाम की तामील में नाकामी के थे। इसके पुरतशद्दुद रवैये की वजह से इस पर ताहायात ममनुआ हथियारों पर पाबंदी है। सैंडरसन उन दो मुश्तबा अफराद में से एक था जो पुलिस को मतलूब थे, जब इतवार को सैस्कीचुआन में एक मोहलिक चाकू के हमले में 10 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए थे। मुश्तबा अफराद में से एक 31 साल डेमियन सैंडरसन पीर को मुर्दा पाया गया। पुलिस अब भी माइल्स को तलाश कर रही है, जो डेमियन का भाई है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक पुलिस दो मुश्तबा भाइयों डेमियन सैंडरसन और माइल्स सैंडरसन को तलाश कर रही थी। पुलिस को मुलजिम डेमियन सैंडरसन की लाश एक मकान के करीब मिली, जिसकी तलाशी ली गई थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की शनाख्त दो भाइयों डेमियन सैंडरसन और माइल्स सैंडरसन के नामों से की गई थी, जो वाकई के फौरन बाद फरार होने में कामयाब हो गए थे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ कनाडा के सूबे सैस्कीचुआन में चाकू के हमले में 10 अफराद हलाक और 18 जख्मी हुए थे। पुलिस ने हमला आवरों की शनाख्त डेमियन सैंडरसन और माइल्स सैंडरसन के नामों से करते हुए उनकी तस्वीर जारी की थी। चाकू जनी के इन वाकयात में जख्मी होने वाले दर्जनों अफराद अस्पताल में जेरे इलाज हैं। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने उन हमलों को खौफनाक करार दिया था। पुलिस असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि डेमियन सैंडरसन के जिस्म पर जख्मों के निशानात मौजूद हैं, ताहम इस बारे में मजीद तहकीकात की जा रही है, जबकि मुश्तबा दूसरा भाई माइल्स सैंडरसन अब भी मफरूर है। कनाडा में जैस्पर नेशनल पार्क के जंगल में लगने वाली आग अब तकरीबन 6000 हेक्टर के रकबे पर फैल गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पार्क्स कनाडा ने पीर की शाम को बताया कि जैस्पर नेशनल पार्क के चैटामोन माउंटेन में जंगल में लगने वाली आग अब तकरीबन 6000 हेक्टर के रकबे पर फैल गई है। इससे कबल एक अंदाजे के मुताबिक ये आग लगभग 8000 हेक्टर पर लगी थी। जैस्पर की म्यूनसिपलिटी को बिजली की बंदिश के तौसी के इम्कान के बारे में मुतनब्बे किया जा रहा है, क्योंकि
चैटामोन माउंटेन जंगल की आग कौमी पार्क में ट्रांसमिशन लाइनों को मुतासिर कर रही है। यकुम सितंबर को आसमानी बिजली गिरने के सबब लगने वाली आग हफ्ते के रोज 400 हेक्टर से बढ़कर इतवार को 1500 हेक्टर तक पहुंच गई। एजेंसी ने कहा कि इतवार को गर्म खुश्क और हवा के मौसम ने आग को मशरिक की तरफ धकेल दिया, लेकिन इलाके में रात भर बारिश हुई। पीर की शाम की एक न्यूज रिलीज में कहा गया है कि जैस्पर टाउन साइट के इर्द गिर्द 3 से 5 मिलीमीटर के दरमियान बारिश ने एटको और ट्रांस माउंटेन के लिए बिजली की अहम लाइनों के साथ साथ आग के साइज का दोबारा जायजा लेने का मौका फराहम किया। इसने नोट किया कि आग का साइज आने वाले दिनों में मतगैर रहेगा। पार्ट्स कनाडा के फायर मैनेजमेंट ऑफिसर का कहना था कि आग से एडमिंटन से तकरीबन 360 किलोमीटर मगरिब में जैस्पर के कस्बे का कोई खतरा नहीं है। कैनेडियन शहरियों की बड़ी तादाद महंगाई से निपटने के लिए क्रेडिट कार्ड्स पर इन्हिसार कर रही है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कैनेडियन शहरियों की बड़ी तादाद महंगाई से निपटने के लिए क्रेडिट कार्ड्स पर इन्हिसार कर रही है, चूंकि महंगाई की ऊंची शरहें अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा करती हैं। सार्फीन अपने क्रेडिट कार्ड्स पर छोटी और बड़ी खरीदारियाँ कर रहे हैं ताकि फौरी माली दबाव को कम किया जा सके। क्रेडिट ब्यूरो एक्यूफिस कनाडा जाहिर करता है कि यह अमल कनाडा के शहरियों को कर्जों में ले जा रहा है, जबकि बैलेंस क्रेडिट ऑफ की अदायगी की सलाहियत से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालिया सैमाही में क्रेडिट कार्ड बैलेंस 2019 की आखिरी सैमाही के बाद से अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। इस साल पहली और दूसरी सैमाही के दरमियान क्रेडिट बैलेंस में 6.4% इजाफा हुआ और लोग ज्यादा क्रेडिट कार्ड खरीद रहे और इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी हद तक मुतवक्के तौर पर मकानात की ऊंची कीमतों और हालिया बरसों में कम शरह सूद की वजह से रहन का कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, जिसने लोगों को मार्केट से फायदा उठाने की तरफ रागब किया है। रूसी हुकूमत ने कहा है कि यूरोप को गैस सप्लाई करने वाली नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन की बंदिश की वाहिद वजह मॉस्को पर आयद की गई यूरोपीय पाबंदियाँ हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। रूस की जानिब से मास्को पर आयद पाबंदियां ख़त्म किए जाने तक यूरोप ने गैस को मअतल रखने का उंधिया दिया है। यूरोप को गैस की सप्लाई बंद रखने का बयान रूस के सदारती महल से जारी हुआ, जिसमें तर्जुमान क्रेमलिन ने कहा कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन की बंदिश की वाहिद वजह मास्को पर आयद की यूरोपीय पाबंदियाँ हैं। दूसरी जानिब अमरीकी हुकाम ने मौकफ इख्तियार किया है कि यूरोप को इतनी गैस मैसर है कि वो सर्दियाँ गुजार सकते हैं, और रूस पर इल्ज़ाम आयद किया है कि रूस तवानाई को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल तवानाई बहरान के बाद यूरोपीय ममालिक में गैस और पेट्रोलियम की कीमतों में बेपना इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पीर तक तवानाई की कीमतें 30% तक बढ़ गई थीं, जिसने यूरोपीय ममालिक को रूसी गैस का मुतबादल तलाश करने पर मजबूर कर दिया है। वाज़ेह रहे कि रूस ने इब्तिदा में कहा था कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को मरम्मती काम की वजह से बंद किया जा रहा है। बाद अज़ां क्रेमलिन ने बयान जारी किया कि रूस और रूसी कंपनियों पर यूरोपीय पाबंदियां गैस की बंदिश का बाइस है। ख्याल रहे कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन रूस से मगरबी यूरोप को गैस फराहम करने वाली सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन है, जो 2011 से काम कर रही है। दूसरी जानिब यूक्रेन जंग के बाद रूस पर आयद होने वाली पाबंदियों के बावजूद रूसी तेल और गैस की फरोख्त में कमी के बजाय मजीद इजाफा हुआ। रूस अब तक अरबों डॉलर की तवानाई की मसनूआत फरोख कर चुका है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर हमले के बाद गुज़िश्ता 6 माह में तवानाई की मसनूआत की बरामदात से 1.58 अरब डॉलर कमाए हैं। चीन के सूबे सिचुआन में जलजिले से 46 अफराद हलाक और 50 जख्मी हो गए, जबकि 16 अफराद लापता हैं। लैंडस्लाइडिंग से कई घर मुनहदम, मवासिलात का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन के सूबा सिचुआन में जलजले से 46 अफराद हलाक और 50 जख्मी हो गए, जबकि 16 अफराद लापता हैं। लैंडस्लाइडिंग से कई घर मुनहदम, मवासात का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। जलजले से मुतासरा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा और बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई है। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बीजिंग से मौसूला इत्तला में चीनी मीडिया का कहना है कि जलजले से मुतअद्दिद मकानात को नुकसान पहुँचा। कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के वाकयात हुए और बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। अमरीकी जलजला पैमो मरकज के मुताबिक सिचुआन के जुनूब मगरबी इलाके में जलजले की शिद्दत 6.6 रिकॉर्ड की गई। जलजला जेर जमीन 10 किलोमीटर की गहराई में था। जलजले से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में गर्मी की शदीद लहर जारी है। हादसात में 2 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा मकाना तबाह हो गए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में गर्मी की शदीद लहर जारी है। हादसात में दो अफराद हलाक और 100 से ज्यादा मकानात तबाह हो गए। मुख्तलिफ मकामात पर जंगलात में लगी आग में भी तेजी आने लगी। अमरीकी मीडिया का कहना है कि जंगलात में आग की वजह से हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं। अमरीका में हीट वेव का आगाज 30 अगस्त से हुआ। महकमा मौसमियात ने 5 और 6 सितम्बर को दर्जा हरारत मजीद बढ़ने की पेशगोई की है। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी।